सर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई भारी ही लेनी है आपको, हल्की कढ़ाई में खीर जलने का डर होता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे पहले, जिससे कि हमारी खीर जले ना। इसमें 2 लीटर दूध मैं डाल रही हूँ, उसको उबाल लूँगी। दूध आपको गाढ़ा ही लेना है। अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो एक तरीका आपको बताऊंगी मैं वीडियो के बीच में, कि आप पतले दूध से भी गाढ़ी खीर कैसे बना सकते हैं। 2 लीटर दूध की मैं बना रही हूँ चावल की खीर। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, और ये 2 लीटर दूध है, इसको उबाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए ये चावल मैंने बारीक वाले लिए हैं, इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। सारे चावलों को डाल लेंगे। और अच्छे से चला देंगे। सारे चावल मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें से पहले निकाल लिया था। इसमें थोड़े से केसर के दाने डाल लेंगे, जिससे कि खीर का कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसको चलाते रहना, क्योंकि चावल मिक्स किए हुए हैं, नहीं चलाएंगे तो खीर नीचे लग जाएगी कढ़ाई में। चावल डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब ये गाढ़ी हो रही है खीर हमारी बन रही है। जो दूध गाढ़ा हो रहा है, इसमें से मैंने 2 कड़छे निकाल लिए थे दूध के, क्योंकि उसमें मैं ये डालूंगी केसर के स्ट्रिप्स। ये केसर डाल लेते हैं इसमें। 2 कड़छी दूध मैंने गरम निकाल लिया था, इसमें 3-4 स्ट्रिप्स केसर की डाल लूंगी। तो दूध में मैंने केसर डाल लिया है, तो दूध तक खीर बन रही है। दूध में मैंने केसर की स्ट्रिप्स डालनी है 5-6। खीर बनने तक इसका कलर केसर का इसमें आ जाएगा, और खीर का कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है इससे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पतला दूध है तो उससे भी आप गाढ़ी दूध खीर कैसे बना सकते हैं। थोड़े से चावल ले लीजिए जो भिगोए थे हमने, उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और उसको दूध में मिक्स कर लीजिए। उससे भी हमारी बढ़िया गाढ़ी खीर बन जाएगी। अगर आपके पास पतला दूध है तो भी इस तरीके से आप गाढ़ी खीर बना सकते हैं। चावलों को थोड़े से चावल निकाल लीजिए भीगे हुए जो थे, उसको पीस लीजिए, और इनको खीर में मिक्स करने से भी खीर गाढ़ी हो जाएगी। चावल इसके लिए बारीक ही लेने हैं। आधा घंटा होने वाला मुझे खीर को रखे हुए। तो ये खीर गाढ़ी होती जा रही है, देखने में लग रहा है जैसे ये तैयार होगी बिल्कुल, लेकिन कैसे पता लगाएंगे कि ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके लिए एक कड़छी में ये उठाएंगे चावल, और ये दूध अलग से दिख रहा है, चावल अलग जा रहे हैं, दूध अलग जा रहा है कढ़ाई में। तो इसका मतलब अभी इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा, अभी हमारी खीर पूरी तैयार नहीं हुई है। तो चेक कर लेते हैं खीर एक बार और बनी है कि नहीं बनी। उसी तरह से एक कड़छी में लेंगे और देखेंगे दूध अलग तो नहीं हो रहा कहीं। दूध और चावल एक साथ गिर रहे हैं कढ़ाई में, इसका मतलब है खीर तैयार हो गई है हमारी। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये जो केसर हमने भिगो के रखा था दूध में, दूध डाल देंगे। चला देंगे। 1.5 कटोरी चावल लिए थे मैंने, वही कटोरी एक कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी चीनी लूंगी। आप चीनी ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स।
गैस का फ्लेम बेशक धीरे ही रखें। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पहले खीर हमारी गाढ़ी थी, अब पतली हो गई है क्योंकि चीनी मैंने डाली है। चीनी डालने के बाद खीर पतली हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और पका लेंगे जिससे कि और गाढ़ी हो जाए। खीर हमारी बनके रेडी है। इसके बाद देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और पका लेते हैं क्योंकि चीनी डाली है ना हमने, चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। खीर बनके हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं चावल और दूध एक साथ गिर रहे हैं कढ़ाई में। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। बढ़िया गाढ़ी खीर बनी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। तो इसको अब हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं जो आप खाते हैं। मैंने इसमें इसके लिए किशमिश और बादाम लिए हैं। मैं किशमिश और बादाम से इसको सर्व करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, देखते ही मन करेगा खाने का। क्या बढ़िया इसका कलर आया है, क्या बढ़िया देखने में लग रही है ये। खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है ये। तो खीर के ऊपर मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट, थोड़े से किशमिश और बादाम। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। खीर को मैंने गार्निश कर लिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, किशमिश और बादाम। आप चाहे जो मर्जी इसमें ड्राई फ्रूट डालिए जो आप खाते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया देखने में लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।